हाके जी हाके हाके मेरे अल्लाह पैर धो ओ अपना ना आ बाबा जी बने आई मैं तो तू कतल ते वेख पहलो बाबा जी का चेहरा देना बाबे जी का चेहरा होंगे मार के ना यार नहीं अज मैं गल शुरू पहलो जिथे शुरू होंगी पाकिस्तान कोई भी पाकिस्तानी भरा है जान भी आ गया तेरा भी हक बनता ना खुदा की कसम तेरे को पहले जान दे सारे भरा कठे हो जो ये बहुत वड्डा जालम है जिसे आप हाथ आए ना बहुत वड्डा बाबा जी सुभान अल्लाह जी सारे ना अजय तुम कुछ भी ना करो मैं कहना मैं माड़ा मोटा खर्चा जो मैं बोल सका तो मैं थाने अदालत या कि मैं जा सका क्यों तो मैं जा गल करा यार मजलूम को या जेल देने बंदे पे ने मैं जेल फेरा मारा जा के उसे गरीबों की जमानता करा देंगे मैं तेन कह दिया मैं इलम बोलना इलम तो मैं तुम छोटा जा बोलन लगा सारी तुम हीरवन फट दे हीरवन वो मैनू दे दो मैं पूरे मुल्क की सफाई करा दें मलंगा हीरवन पाव ना नुहा तो आके बंदे बना दो अजय करोड़ा गलों ने मैं लफज बोली जाव तो मुल्क सीधा होता जाए आड़ा इदारा मेरा सिर ला दी इस इदारे का सिर फैसला करा तो प्रॉफिट छुट हो जाए इलम हों तेन क्या बार बार पहलो क्या डाउन निबड़ना सारे भरा कट्ठे हो जाए मैं कहने से मैं बाबा जी सगी मुझी ने मैं कह दस के रब की गाल मेरे समाए आह दस के मैं 40 साल तो ना मजलूम गलम के नाल टकरा पा तो मैनू यार मेरा बचा आ रहा मेरा ईमान इन्ना कायम हो गया तुम ना भाई आए ना शायद मसूर साहब हसन सार साहब जिन्हें कादी तो पट्टी साहब तुम मैनू दसो की बोलना है क्यों बी सारी हम जाहर हो गई कि नंगे हो गए फोन तुम मैं कहना तो मैं फिर देना वा तुम मैनू दसो की बोलना तो मेरा परचा करे मैं जाटी मैं ही 3-4 लाख 5 लाख बंदा ही घर तो पाई मैं जिदे घर अपना खून साडा हुंदा ना जट आ सिख साडा कुछ भी नहीं लगते कुरान की कसम मेरे पिछे सिर दे देने मैं गल दस रही सून है मेरा जिन्हें ही लाहौर जाते रही जट हाँ जिथे जिथे को बैठा जट है ना खुद बखुद उठेगा मैं कहना भी नहीं पता मैं लफ्ज बोलांगा तेरा सुभान अल्लाह दूसरे मम्मी डैडी कह डे हाँ कि सानू बंदियां दी लोड़ नहीं जरा कोई अं करना इधर भजना दसना थोड़ा बहुत खर्चा दो बस बंदे साढ़े को इन्हें भी किसी की जरूरत ही नहीं कह दी साढ़े कबूल जाए रिश्तेदार अभी एक खून हाँ एक गल जट एक ना खानदान है ये तो भैन भरावान आप सिर वी फिर कमी कमी चवल जे लोग सानू कोई लोड़ नहीं बंदे की साढ़े या फकीर के मलंग बड़े बेबा पूरे लाहौर पूरे दुनिया के पूरे मुल्क दरबार ने जिन्हें मलंग जिन्हें जरसी पंगी जो पोगरी सारी साड़ी फौज है अलफाज बोलने बीबी कहना तहु पुछना है तुसे डाउन बने सारी पुलिस रखिया तुम अपनी है मैनू मार तेन भरोसा नहीं मम्मी जाऊ उठे नहीं दिल लगन दिया इतनी पुणी मनु मैनू नहीं है बारा खाली एजा डाउन क्यों जी मैं आज बंदा वा मैनू यह नहीं पसंद मैं नहीं करनी बार बार मैं तुम आम कहना
मम्मी डैडी घर च बह जाओ, मैं इन्हों ना ये जिमें का कानून तेन उठना मारा मैं। तुम मैनू थोड़ा जा थोड़ी बहुत तो दियो ना, मैं एक जा सकता उत्तर कितने बह सकता कि जाके बंद गल कर सकता, थोड़ा बहुत मैं मेरी मदद करो, मेरे ना तुलो तो सही। तो नाल तुम कह बार बार भी बंद घाटा नहीं, तुम बंदे तो अभी इन्ने जानता ही नहीं, तेन क्या पूरे पाकिस्तान के दरबार से जिन्हें भी अभी गल बोलनी है, जिन्हें पीरो मुर्शद उन्होंने मरीज उन्होंने सारे उठ के खड़े हो जाए याहो जी, वो वक्त आ गया हूँ बाबा जी सही कहें पै जी आपके डैडी तुम बार बार कहने को खरबार पी जाए पहले हराम ने वो तुम सलाह मिलती पी है। इमरान खान साहब वो बंदे कितों लभेगा बई, तेन तीन दिन त्याई दे दी अं जो तेन दिखती थी ना, मैंने ख्वाब जगलिया कहा कि इस बंद ने बड़ा रौला पाना जो हूँ असी बादशाही आना अल्लाह वाले ने इन्हें बहुत रौला पाना इन यार दे दो तेन क्या कह के दी। मैं तेन कहना झूठी सी गल लेकिन ख्वाब की गल मैंने ख्वाब चुना क्या है भी इन बोल दे इनू देख ली तेन भरा ना बंदा नहीं पछाणना तेन कहे इलम तेरे कोई ना को अगा नहीं को पिछा नहीं तू दलील कराता चंगे भले सियाने बने लोगों सप न छेड़ी जाए उदो जो सबक पढ़िया हो जी सारा गरीबा ना की है तू सुन ला तेन मैं इलम का दसा की होता तेरे ना पहलो तो यही है जिन्ने तेरे अगे पिछे सारे उन्होंने बंदे ने साड़ा आई एम एफ ही ना वो यो ही दालम जो इन्होंने पैसा ही ये उतों सानू उधर दूजे के राही देता पैसा इन्हों का ही सारा तेन मैं कहना भी तू चुप कर जा मरदा जो जिम्मे तुम माफी मंगी है ना मंगनी तो मदद सी अल्लाह को तू मदद मंगने अमरीका को मैं आ अमरीका सोचे तो गर्क हो जाए उतरी उन्होंने कह मेरे बारे सोचे सिर्फ एक ने सोचा सी खंजीर के पुत्र ने जरा दरबारा के खिलाफ उदों की बीमारी लगी तो सानू बकायदा वह दसया जा रहा है कि जिदन कि जरा भी उन्हें की गलती उदन उन्होंने बीमारी उठ पाई फिर उन्होंने कहा तुम जलील हों वहाँ क्योंकि असं माफ़ी का ना टाइम देने खैर तो माफ़ी मांग मैं ना कोई गलती हो अल्लाह की कसम उस वे पाकी पलीती मैं धी न हथ लाया हो पाक किसे हथ नहीं लाया किसे दा पूरी जिंदगी दे मैं इरादे नाल जां कोई बेईमानी की हो या किसी का पैसा खाधा हो कोई मैं धी नहीं कमाई खाधी हो तेनू कहना जो बादशाह पीर ने आख्या जी ने दसिया गल् उन्होंने होर भी बड़ी सख्त भी है लेकिन तेन आज दसिया ना अभी उदों के बचपन के पक्के होए शहीद होना उन्हें कहा कि अभी तो पूछा भी यदा फिर एंड की है जी इतने आए हैं कि हरा की है फिर लै जाइए तो उन्हें कहा जो हाथ लै जाए वो मजलूम ने गल कर लिया तो उसे खलो जाए शहीद हो जाए नाल उन्होंने उसने दे दी दूजे दूजे उन्होंने मरे रहेंगे क्यामत आएगी फिर कदम आनी है उदो बचाओगे हमने जरा जिंदगी लै गया हो मैं तो भा हूं ना असल साहब साहब सारे तुम कह रहे भी तुम मैनू दसो की बोलना क्यों जी अब मैं कुर्बानी देना मेरा अनुभव परचा करे इन्नी गल तो परचा करे फिर पूछने वाले तो बना गए ये परचा बनता भी कि नहीं बनता जिम्मे तू असंबली लाई बैठना असी तेन दसा असंबली किमें लगती है तू बेचारा असंबलियां लादा पैना गल सुनो पहले कहते मत जाओ नजदीक नमाज के जब के तुम नजा में हो यहाँ तलक कि तुम समझ सको कि मुंह से क्या कह रहे हो अगर तुम समझ बूझ तेरी कह में नमाज पढ़ सकना तस्बीह अल्लाह अल्लाह करिए दूसरी आयत शराब और जुआ हराम है मगर इसमें लोगों के कोई फायदे नहीं लेकिन नुकसानात जो हैं वो फायदों से बड़े हुए हैं मगर परहेजगार लोग जो परहेज करते हैं फिर परहेज करते हैं
खूब नेक अमल करते हैं वो खाते पीते हैं, उनसे कोई इल्जाम नहीं। पंचायत का जो फैसला है ये शराब तो पी सकना मेरे अपने चार दुआरी बाहर ही तो नहीं रखा। अल्लाह ये हराम क्यों है? ये तो बंदा ना आउट हो जाता खबर ही नहीं तेन गड्डी बज गई आउट हो सकता है कहाँ से पाबंदी की तो पार्टी नहीं है बाहर नहीं निकल। दूसरे रह गए बूटी भंग जारी है वो तो मर्द बंदे जान लैन तो ना ही ना लैन सत्यानाश बूटी वह ना मर्द सत्यानाश ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਕਿਤਾਬੀ ਸੱਤਿਆ ਨਾਲ ਬੂਟੀ। ਉਹ ਆ ਫਕੀਰ ਪੀਂਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਲਬ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹਨਾਂ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਪਕਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਦੂਜਾ ਪੀ ਲੈਂਦੇ ਬੂਟੀ ਨੇ ਪੀਣੀ ਜਿਹਨਾਂ ਉਹਦਾ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਦੇ ਬੂਟੀ ਰਹਿ ਗਈ ਫੀਮ ਫੀਮ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਉਹ ਇੰਨੀ ਕੁ ਗਰਮ ਹੈ ਕਿ ਖੁਸ਼ ਕੇ ਬਾਬਾ ਫੀਰ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਨਾਮ ਹੀ ਹੋਵੇ ਖੂਨ ਤੇਰਾ ਸਾੜ ਜਾਏ ਸਾਰਾ ਚਾਹ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। वो दवाई तौर खाई दी है जो कि बहुत सर्दी लगे ना तो चम्मच ना खोल के जरा पीला रंग हो गया पानी वाले साढ़े बड़े प्यो ने अभी जट जो इतने क्या और कोई सारा इलम पूरा दवाइया तक पढ़ाया है कड़ी गल करते पता नशे की भीम वगैरह हाँ भीम वगैरह ये भी मतलब कि नहीं चंगी क्योंकि तू इन ज्यादा खा जानी तो तेरा खून छा ये भी नहीं बाकी सारा एजेंट के आई चर्स। मैंने उमदा उमदा बूटियां उगाई कुरान पाक पहले शराब हूं खजूर की तुम बनाते हो अगले बारी जीत बनाते हो बूटियां का मैंने उमदा उमदा बूटियां उगाई जो दनाई दनाई और बिनाई का जरिया है तनाव हो जाता बंदा अखा तेज हो जाए मैंने बूटियां उगाई चार सौ बूटी की बन रही है मरद तक बबर और दलेर इनी तेन नी बंद कमरे जो मुंडे कई बच्चे कमरे जो लगते हैं दोबारी लवा दी एक दो दिन दोबारी लवा दे इतने अं लवा लवा के वेखिए बाबा जी ने दो कह के मैं इलाज कर लगा बच्चे का वो कमला कमला जो है सारिया दवाइया दो तीन मुलाका बाद चंगा भला भाई दूजे को गल करेगा वो दनाई ये चर्च लेकिन यह भी गर्म तो खुश के जिन्हें फिर अभी अगो हिकमत जी ने पढ़ाई उन्हें सामू तो उन्होंने कहिए तीन सिकड़ ने ज्यादा बजे मैं वैसे दो मैं चौबीस घंटे दो सिकड़ मैं बूटी भी पीना गिलास एक उन्होंने को बीमारी इस करके मतलब गर्मी बहुत ज्यादा कोई पीना दो सिकड़ तो मैं तजर्बा जिंदगी कई बार देखा जो सभी मुझे मुखला आ जाए हाजमा कर खून गर्म रहा उस मशीन से चेक भी करना मशीन जो है जो 18 साल का मुझे आला तरीन आला पाउडर है ना ये हराम है फकीरी वो खुद कशी है पाउडर ने चिट्टा नंगा खुद कशी खुद कशी आराम है शराब आराम है लेकिन उन्हें कहा भी जो तू बड़ा भी मरन लगा तो अपने बेटी अपने घर पी सकना बाहर ना निकलना यह जी है ना ये खड़ोजे कर्म क्या मन तेरे सामने बैठा कि जिन्हें मैं वेखे ना मेरे तो पहलों भी सुना वो भी मर गया था करना यहोजे बोलते हैं भी आ रहा है आपा इतने बदल ला दें क्योंकि दलेर है शराब च भी हैगी दलेरी लेकिन वो नुकसान बहुत ज्यादा वो ना अलसर कर हिकमत पता की पड़िया इक्की कतरे पाने तू गिलास आली नहीं छोटे बोतल मिट्टी वो इक्की कतरे पाने उस शराब के फिर वो लाज इतने पी जाने पता नहीं ना उन्होंने पाबंदी है लेकिन मैं दसना चाहता था भी हरामिया वास्ते होगी राम कुरान आखन डे अल्लाह जरा मेरे बंदे नेक पाक लोग ने जो रिश्तेदार नेक अमल करते हैं गरीबा खोने प्यौने मतलब अल्लाह वाले ने उन्होंने कोई जरा ना फिर रहना तू चाहना कि भाई मैं जिंदगी ना इंजी लव जो बब्बर शेर फिर चर्स सब तो अलग